Hello students of 9th and 10th. Today I am going to give you a very small description about how you have to cover up your practical file. तो आपको अपनी practical file में कैसे आपको practical file को कैसे complete करना है, what you have to write on the pen sheet and what you have to write on the rule sheet. आपको कैसे लिखना है, किस pen से लिखना है, today I am going to explain you. ठीक है, so सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले first of all we have to write the date. Then we have to write the experiment number और experiment 10, 9th and 10th में you have to mention कि वो experiment physics का है, chemistry का है या biology का है. Then with the help of a pen, ठीक है, आपको अपनी rule sheet पे, ये rule sheet है, आपको यहाँ पर सबसे पहले aim लिखना है, that means जो experiment का नाम है, you have to write the name of the experiment. ठीक है, नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द एम, तो आपको एम लिखना है. ठीक है, देन यू हैव टू राइट द अपैरेटस. अपैरेटस मतलब कई आपके लैब मैनुअल्स में अपैरेटस को दे वर कॉल्ड एज अ मटेरियल रिक्वायर्ड, तो जो मटेरियल रिक्वायर्ड होगा यू हैव टू मैंशन इट ओवर हेयर. ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, हमने एक्सपेरिमेंट का नाम, ठीक है, जिसे हम एम बोलते हैं. देन यू हैव रिटन अ अपैरेटस विच इज अ मटेरियल रिक्वायर्ड, तो जो भी इस एक्सपेरिमेंट के अंदर जो भी मटेरियल रिक्वायर्ड होगा यू हैव टू मैंशन इट ओवर हेयर. Then you have to write the theory. तो experiment का जो भी theory होगा you have to write it over here. ठीक है, तो आपको वो theory लिखना होगा experiment का. Then you write the procedure over here. आप यहाँ procedure लिखेंगे. ठीक है, तो आपने theory लिखा, theory के बाद आप procedure लिखेंगे. ठीक है, तो आपने theory लिखा, then you have to write the procedure. And then, ठीक है, then आपको क्या करना है, then आपको result लिखना है. ठीक है, तो देन आपने रिजल्ट लिखा, तो मतलब आपको क्या करना है, रूल शीट पे एम, ठीक है, आपको अपैरेटस, आपको थ्योरी, आपको प्रोसीजर और आपको रिजल्ट लिखना है. और लास्ट में इफ़ यू वांट तो आप प्रिकॉशंस भी लिख सकते हैं. दिस इज़ अ टोटली ऑप्शनल थिंग. ठीक है, आपको लिखनी है तो आप लिखिए, हमको नहीं लिखनी है तो आप छोड़ सकते हैं, तो आप प्रिकॉशंस भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो मतलब ऑन द रूल शीट यू हैव टू राइट द एम, अपैरेटस, थ्योरी, प्रोसीजर, रिजल्ट एंड प्रिकॉशंस. ठीक है, सो आई होप द पॉइंट इज क्लियर. नाउ कम्स टू दिस प्लेन शीट. तो प्लेन शीट में हमारे पास है, प्लेन शीट में वी हैव अ एम. ठीक है, आपको फिर से एम लिखना है पर विद द हेल्प ऑफ अ पेंसिल. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ अ पेंसिल यहाँ पे भी एक्सपेरिमेंट नंबर डालिए. ठीक है, ऊपर यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नंबर डाल दीजिए. ठीक है, और याद रखिएगा आपको जो रूल शीट है उसके सामने वाली ही प्लेन शीट यूज़ करनी है. ठीक है, तो आपने एम लिखा, ठीक है, यू हैव टू राइट द एम. देन यू हैव टू राइट द अपैरेटस विद द पेंसिल, मतलब एम और अपैरेटस दोनों में, aim and apparatus we have to write on the rule sheet also and on the plain sheet also, but on the rule sheet we have to write with the pen and on the plain sheet we have to write with the pencil. ठीक है, and then हमें diagram बनाना है. ठीक है, then you have to draw the diagram, चाहे physics experiment है, चाहे chemistry है, चाहे biology है, you have to draw the diagram. ठीक है, and अगर आपके पास physics और chemistry का diagram है, physics और chemistry, even in biology आपके पास ऑब्जर्वेशन टेबल होता है, तीनों ही कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे होंगे, बायोलॉजी के भी, केमिस्ट्री के भी, फिजिक्स में तो सारे होंगे. ठीक है, जिनमें ऑब्जर्वेशन टेबल होगा, तो यू हैव टू ड्रॉ द ऑब्जर्वेशन टेबल ऑन द प्लेन शीट. कहाँ बनाना है आपको, प्लेन शीट में बनाना है. सो वेयर यू हैव टू मेक इट ऑन अ प्लेन शीट. तो याद रखिएगा ऑब्जर्वेशन टेबल रूल शीट में नहीं बनेगा, कहाँ बनेगा, प्लेन शीट पे. ठीक है, देन बायोलॉजी में तो देयर विल बी अ न्यू कैलकुलेशन, तो ये पॉइंट स्किप हो जाएगा बायोलॉजी में. केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंदर कैलकुलेशंस आएंगी, तो आपको कैलकुलेशंस करनी है. ठीक है, कैलकुलेशंस के बाद जो रिजल्ट आएगा वो आपको प्लेन शीट पे भी लिखना है और रूल शीट पे भी लिखना है. प्लेन शीट में आपको पेन से लिखना है, ठीक है, आपको रूल शीट पे आपको सॉरी पेन से लिखना है, और प्लेन शीट में आपको किससे लिखना है, आपको पेंसिल से लिखना है. ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट. ठीक है, ये आपके पास देख लीजिए, नोट कर लीजिए, आपके पास रूल शीट में आपको क्या लिखना है, एम, अपैरेटस, थ्योरी, प्रोसीजर, रिजल्ट एंड प्रिकॉशंस. ठीक है, और आपके पास जो एम है, ठीक है, एम एंड अपैरेटस यू हैव टू राइट इन बोथ केसेस. यहाँ पर आपको यू हैव टू राइट विद द पेंसिल. ठीक है, आपको प्लेन शीट पे आपको सिर्फ पेंसिल यूज़ करनी है, आपको पेन बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है. देन यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम इन बोथ द एक्सपेरिमेंट, चाहे फिजिक्स है, चाहे केमिस्ट्री है, चाहे बायोलॉजी है. ऑब्जर्वेशन भी तीनों में आ जाएगा, पर कैलकुलेशन कम्स ओनली इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. तो बायोलॉजी में आपका कंक्लूजन होगा, ठीक है, जिसको हम रिजल्ट बोल देंगे. ठीक है, पर कैलकुलेशंस नहीं होंगी, एंड देन यू हैव टू राइट द रिजल्ट. सो दिस इज ऑल अबाउट योर प्रैक्टिकल फाइल्स. ठीक है, तो ये सब कुछ प्रैक्टिकल फाइल्स के बारे में है. सो स्टिल इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन आस्क मी. ठीक है, आई विल फेयर ऑफ यूर डाउट. ठीक है, बट डोंट मेक इट इन अ रॉन्ग. सो गलत मत बनाइएगा. ठीक है, डू इट इन अ करेक्ट वे.